Today I'm going to speak about how the word of God changes our lives. और आज हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को बदल देता है। In John chapter 17 verse 17 we read, Jesus tells the Father in heaven. यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के लिए लिखते हैं, बताते हैं। Sanctify them by the truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Sanctification means being made holy. और शुद्ध मतलब शुद्ध करना मतलब उसको पवित्र कर देना। And the word of God changes us and makes us holy. परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे को शुद्ध कर देता है, पवित्र बना देता है। Holy means set apart. और पवित्र होना मतलब एक अलग कर दिया गया। Set apart from following the world to following the Lord Jesus Christ. अलग किया गया संसार से को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। Today we're going to see how the word of God transforms us and sanctifies us to being more like Jesus. और हम देखेंगे आज की परमेश्वर वचन कैसे हमें शुद्ध करता, पवित्र करता है, ताकि हम और प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल जाएं। Now in Psalm 119 verse 11, वचन 119:11 में हम देखते हैं। The psalmist who is according to Bible scholars is supposed to be Ezra. और बाइबल अध्ययन करने वाले बताते हैं कि भजन जो है एज़रा ने लिखा है। That verse he writes. और उस आयत में वो ऐसा लिखते हैं। I've hidden your word in my heart that I will not sin against. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। He understood that the word of God in his heart is enables him to obey the teachings of the Lord. वो समझ रहा है इस बात को कि अगर परमेश्वर का वचन उसके हृदय में होगा तो परमेश्वर की शिक्षाओं की आज्ञा मान पाएगा। The word of God enables us to obey the word of God. परमेश्वर की का वचन हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। And now you know why he prayed in verse 18, which was referred to by Manish Samuel. और भाई भाई जैसे मनीष भाई ने अभी प्रार्थना भी की थी 18वीं आयत के अनुसार। Open my eyes that I see wonderful things in your law. वो कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। He understood that the word of God is so wonderful that it changes us. वो समझ रहा है इस बात को कि परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है कि वो हमारे को बदल देता है। And verse 19 he says, I'm do not hide your commandments from me, for I'm a stranger on this earth. वो कहता है मैं इस पृथ्वी पर देशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा ना रख। I'm a stranger on this earth, so don't hide your commandments. मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूँ, इसलिए अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपा। Reveal your word to me. अपने वचन को मुझ पर प्रकट कर। But he knew that the word of God changes him to become more and more like God. वो समझ रहा है इस बात को कि परमेश्वर का वचन उसको और परमेश्वर की समानता में बदल देगा। So as you and me spend time listening to God's word, hearing God's word and reading God's word. और जैसे हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं पढ़ने में, उसे मनन करने में, सुनने में, we will see how the word changes our lives. हम देखेंगे कि कैसे वचन जो है हमारे जीवन को बदल देता है। First of all, the word of God gives us the motivation to imitate the life of Christ. सबसे पहले परमेश्वर के वचन हमारे को एक ऐसी प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर के जीवन को की नकल करने लगे। Very often I've shared this, but I can repeat it. और बहुत दफे हमने इस बात को बांटा है और आज हम इसको फिर से दोहराएंगे। How in the word of God there are treasures that motivate us to want to obey the Lord. कि कैसे वचन में बहुत सारे ऐसे खजाने हैं, धन है, जो हमारे को प्रेरणा देते हैं कि परमेश्वर के पीछे चले, उसकी आज्ञा माने। It is not the fear of God's punishment that makes us obey him. ये परमेश्वर की ऐसा नहीं कि उसकी सजा का कोई डर है जो हमारे को कहता है कि हम उसकी आज्ञा माने। But the blessings of God. पर परमेश्वर की आशीषें हैं। And I'm going to share with you, just mention six blessings which very often I share. और छह आशीषों को आज हम देखेंगे जो पहले भी बता चुके हैं। That motivate us to want to obey the Lord. जो हमारे को प्रोत्साहित करती हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। It is not fear of punishment, but the blessings of God that makes us want to obey him. ये सजा का डर नहीं है पर परमेश्वर की आशीष है जो हमारे को कहती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। These blessings are specified in the scriptures. और ये आशीषें जो हैं वचन में बताई गई हैं। It's God's word to us, God's instruction to us. परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए हिदायत है। So as we meditate upon these amazing blessings, we'll have this desire, the passion to want to please God and live a holy life. जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे अंदर बड़ी ऐसी ऐसी एक हमारे जीवन में ऐसा लगन आ जाती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उसको सुनने में हमारे को हमारे प्रोत्साहन मिलता है। First of all, the motivation is, the blessing is the love of God. सबसे पहली आशीष जो हमारे को प्रोत्साहित करती है वो है परमेश्वर का प्रेम।
1 John 4:19 says, पहला यूहन्ना 4:19 में हम पढ़ते हैं, We love because he first loved us. हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया. And our love for God is manifested in our obedience. और हमारा प्रेम जो है परमेश्वर की इस बात पर प्रकट होता है कि हम उसकी आज्ञा मानते हैं. In 1 John 5:3, John writes again. और पहला यूहन्ना 5:3 में यूहन्ना फिर से लिखता है, This is love for God to obey His commandments. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने. In fact, the teachings of the Lord Jesus Christ we are called to obey today. और हमें जो है हमें आज जो बुलाया गया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए बुलाया गया. In John 14:23, Jesus says, यूहन्ना 14:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, If anyone loves me, he will obey my teaching. यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा. Remember that when he says my teaching, it is the New Testament teaching. तो जब मेरी आज्ञाओं की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह तो नए नियम की बातें हैं. God does not negate the Old Testament, but he qualifies the Old Testament. प्रभु जो है परमेश्वर जो है पुराने नियम को उसको हटा नहीं देते पर उसको साबित करते हैं नए नियम में. Old Testament says love your neighbor and hate your enemy, but New Testament says love your enemies. पुराने नियम में लिखा है कि अपने वैरियों से घृणा कर अपने साथियों से प्रेम कर पर नए नियम में है कि अपने वैरियों से भी प्रेम करना है. In Matthew 5:43 Jesus says you have heard who said love your neighbor and hate your enemy but I say unto you love your enemies. और मत्ती 5:43 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें बताया गया था कि भाई अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से बैर रखो परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने वैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. So if you love the Lord, we will obey him. अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञा मानेंगे. And we love him because he first loved us. और हम उससे इसलिए प्रेम करेंगे क्योंकि वो उसने हमसे पहले प्रेम किया. And nothing can separate us from his love. और ऐसा प्रेम है जिससे हमारे कोई चीज अलग नहीं कर सकती. He loves us with an everlasting love. उसने अनंत काल के प्रेम से हमसे प्रेम किया. The second blessing, दूसरी आशीष जो है, the grace of God showered upon us. The grace of God. अच्छा, प्रभु का अनुग्रह जो उसने हमारे ऊपर उसने उंडेल दिया है. In Titus chapter 2 verse 11 onwards, Paul writes to Titus. और तीतुस 2:11 से आगे पौलुस तीतुस को लिखते समय ऐसे लिखते हैं, The grace of God that brings salvation appeared to all people. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लाने में सक्षम है. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धार्मिकता से भक्ति से जीवन बिताएं. The grace of God is not a license for us to continue in sin. परमेश्वर का अनुग्रह ये हमारे को इस बात का लाइसेंस नहीं दे देता कि हम पाप में का जीवन बिताते रहें. But on the other hand, the opposite, the motivation for us to say no to ungodliness and worldly passions. और इसके विपरीत में हमारे को वो ऐसा प्रोत्साहन देता है कि हम जो है संसार की लालसाओं और पाप को ना कह सके. Number three, the kindness of God. और तीसरी आशीष है परमेश्वर की दया. Romans chapter 2 verse 4 says, the kindness of God leads us to repentance. 2:4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दया जो है वो हमारे को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करती है. The kindness of God motivates us to say no to sin. परमेश्वर की भलाई और दया जो है वो हमारे पर इस करती है कि तुम्हें मन फिराने को सिखाती है. Not the stick of God, but the kindness of God. परमेश्वर की लाठी नहीं, छड़ी नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम. Number 4, the mercy of God. और चौथी बात है परमेश्वर की दया. Romans chapter 12 verse 1 Paul writes. Romeo 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस लिखते हैं, My dear brothers, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices. इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. Holy and pleasing to God. परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र बलिदान. Which is a spiritual act of worship. और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. Now the word worship actually means to fear God, Old Testament. और पुराने नियम में आराधना शब्द का मतलब था कि परमेश्वर का भय मानना. Even New Testament the same thing, offering, bowing down before God, prostrating before God, and fearing God. और नए नियम में भी ऐसा है कि परमेश्वर के सामने झुकना, उसको उसका आदर करना, उसका भय मानना. And therefore, because of the mercy of God, we offer our bodies as a living sacrifice. Every part of our body. Which he earlier offered to sin, we offer to God today. और उसी तरह से जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो अपने ब्रदर प्लीज रिपीट एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी
like the eyes, the mouth, the ears, which earlier offered to sin, now we offer to God. तो हम हमारे शरीर के अंग, आंख, नाक, कान जो पहले हमने पाप के लिए हमने रख रखे थे, पाप के लिए हम उसको यूज करते थे, प्रयोग करते थे, अब हम सबको परमेश्वर के सामने अर्पण कर देते हैं. And it's mentioned specifically in the book of Romans chapter 6 verse 13. और ये खास तरीके से बताया गया रोमियो छठा अध्याय उसकी 13वीं आयत में. Which explains how you offer body as a living sacrifice. जो बताता है कैसे हम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने एक जीवता बलिदान करके चढ़ा सकते हैं. Paul writes and says, do not offer the parts of the body to sin as instruments of wickedness. वो कहता है अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो. But offer yourselves to God as those who brought from death to life. और अपने आप को इसके लिए मरा जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो. And offer the parts of the body to him as instruments of righteousness. और अपने अंगों को उसके अधीन सौंप दो ताकि वो उसके लिए धार्मिकता के हथियार बन जाए. And the motivation for offering this body as a living sacrifice is the mercy of God. और ये जो प्रोत्साहन हमारे को मिलता है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ा दें, वो है परमेश्वर की दया. Number 5, the kingdom of God. और पांचवी बात है परमेश्वर का राज. Hebrews chapter 12 verse 28. इब्रानियों 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत. Since we are seeing a kingdom that cannot be shaken, let's be thankful and so worship God with a reverence and awe. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह के को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर के ऐसी आराधना कर सकते हैं. Since we're getting a kingdom of God given to us, now the spiritual kingdom, later on the physical kingdom, in response, we worship God and we rever him. परमेश्वर ने जो हमें वादा दिया है कि अभी हमारे पास एक आत्मिक राज्य है, बाद में हम उसको एक शारीरिक राज्य को भी देखेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, इस कारण से हम उसकी आराधना करते हैं. And number 6, it's the promises of God. और छठी बात है परमेश्वर के वायदे. Every good promise of God is our inheritance. हर एक परमेश्वर के भले जो वायदे हैं वो हमारी मिराश हैं. 2 Corinthians 7 chapter verse 1 says, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, Since we have these promises, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. इसलिए हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. In response to the fact that every good promise of God is ours. और इस बात के उत्तर में कि सारे परमेश्वर के भले जो वायदे हैं वो हमारे लिए हैं, Paul exhorts the church in Corinth to offer themselves to God with reverence and awe to live a life of holiness. और इस सब के लिए इसके बदले में पौलुस फिलिपियों कहता है कि अपने शरीरों को, अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा एक पवित्र और आदर के साथ बलिदान कर दो. So the word of God gives the motivation as to why we should desire a passion to follow Jesus and be transformed. तो परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है क्यों हम अपने आप को बदलें कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं. Six amazing blessings. Aspects of motivation. Blessings. और ये 6 अद्भुत आशीषें हैं जो हमारे को प्रोत्साहित करती हैं कि हम परमेश्वर की समानता में बदलें. The love of God. परमेश्वर का प्रेम. The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह. The kindness of God. परमेश्वर की दया. The mercy of God. परमेश्वर की कृपा. The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य. And the promise of God. और परमेश्वर के वायदे. We think of these things, we'll have a desire to want to obey him and to be more like him. जब इन बातों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर प्रोत्साहन आता है कि हम उसकी आज्ञा माने और उसकी समानता में बदल जाएं. Then also the word of God reminds us about the amazing blessings of obedience and following him. और परमेश्वर की जो बातें हैं ये हमारे को स्मरण दिलाती है कि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी समानता में होते चले जाएं. How when we obey him, as we obey him, how we going to enjoy these blessings, spiritual blessings? कैसे जब उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम कैसे परमेश्वर की जो सारी आशीषें मसीहों के लिए उसने रखी है उसका हम आनंद उठा सकेंगे? Some blessings in this world itself, and some after we go to heaven. कुछ आशीषें तो हमारे को इस संसार में मिल जाएंगी और कुछ है जो हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें मिलेंगी. Let me first talk about heavenly blessings. पहले हम स्वर्गीय आशीषों की बात करते हैं. Now when Moses left the Pharaoh's court and joined with the Israelites. और जब मूसा ने फिरौन के महल को छोड़ के इजराइलियों के साथ अब मिल गया आके, we find that the motivation for him was the fact that he was a Jew. He realized he was a Jew.
उसका उसके पीछे जो बात ने उसको प्रोत्साहित किया वो ये था कि वो समझ गया कि वो एक यहूदी है. And in the book of Hebrews chapter 11, और हिब्रानियों 11वें अध्याय में हम देखते हैं, from verse 24 we read, 24वें आयत से आगे हम पढ़ते हैं, it says, by faith Moses when he grew up refused to be known as son of Pharaoh's daughter. तो विश्वास ही से मूसा जब सयाना हुआ तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया. He chose to be illiterate along with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for a short time. इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा. He regarded disgrace for the sake of Christ of greater worth than treasures of Egypt because looking ahead to his reward. और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं. Can you imagine at the age of 40 he made a choice to join the Israelites for the sake of Christ. और अब कितनी अद्भुत बात है कि 40 साल की उम्र में उसने सब चीजों को भोगविलास को छोड़ना चाहा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के लिए. When did God introduce himself to Moses? परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पे कब प्रकट किया? At the age of 80. 80 साल का था. At the burning bush. जब वो झाड़ी में जलती हुई झाड़ी का उसको अनुभव हुआ. I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. और परमेश्वर ने उसको बोला मैं इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ. At the age of 80, God introduced himself to Moses. और 80 साल का था जब मूसा जब परमेश्वर ने अपने आप को उसको प्रकट किया. 40 years earlier, और उसे 40 साल पहले, when he was in Pharaoh's court, जब वो फिरौन के दरबार में था, he made a choice to join the Israelites. तब ही उसने चुन लिया कि मैं इज़राइलियों के साथ रहूं. For the sake of Christ, Christ is with him. और मसीह के लिए उसने चुन लिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने चुना इसको. He forsook the treasures of Egypt. उसने इसराइल मिस्र के सारे जो धन दौलत उसको तिरस्कार कर दिया. He chose to be little along with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for a short time. और थोड़े समय मिस्र के संसार के भोग विलास से अच्छा उसने परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद किया. He looked ahead to his reward. उसने अपनी आंखें जो थी आने वाले उस इनाम की ओर लगाई. Now sometimes we get attracted to the things of this world. कई बार हम संसार की चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं. When you forsake the things of this world and live for the Lord Jesus, और जब हम संसार की बातों को छोड़ के अब यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करते हैं, when we have blessings in this earth, we'll have rewards in heaven also. ना केवल हमें संसार में आशीष मिलती है, पर हमारे लिए स्वर्ग में भी बड़ी मिराश रहती है. In 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, Paul writes. दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय सातवीं और आठवीं आयत में पौलुस लिखता है. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. मैंने विश्वास की रखवाली की है. Now there's in store for me the crown of righteousness. भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है. Which the Lord, the righteous judge, will grant to me on that day. जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उस सबको प्रिय जो जाए उसको उनको देगा. Not only for me, but for all who have longed for his appearing. मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. Now when long for his appearing, what will we do? और जब उसके आने को हम प्रिय जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? What is the expression of longing for his appearing a second time? प्रभु के आने के लिए हमारी उसकी उसकी लालसा की क्या पहचान है? At least two things. कम से कम दो बातें तो हैं. One is we'll be active in sharing our faith, the gospel of Jesus. सबसे पहली बात कि हम प्रभु हमारे अपने विश्वास को दूसरों को बांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं. Matthew 24:14. मत्ती 24 उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं. And also we'll be living a life of holiness unto God. और हम प्रभु परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताते हैं. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12 talks about that. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 10-12 आयत में इस बात में लिखा है. As a body of Christ, we'll be holy right before God. और प्रभु की देह होने के कारण परमेश्वर के सामने हम शुद्ध और पवित्र रहते हैं. And Paul spoke about the crown of righteousness which God grants to everybody longs for his appearing. और पौल कहता है कि उस मुकुट के लिए सबको दौड़ना है, उसके आने को प्रिय जानते हैं. But in this world itself there are so many blessings of being transformed to be like Jesus. पर इस संसार में बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जिसके कारण से हम जिसके कारण हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते जाना है. We can't be perfect like Jesus, but we have to imitate his life. We are called to imitate God, it says in Ephesians 5:1. और इफिसियों 5:1 में लिखा है हम प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल समानता में तो नहीं हो जा सकते, पर जैसे लिखा है कि हम उसकी समानता में होने के नजदीक पहुंचते हैं. So what are the blessings of obedience?
तो आज्ञाकारिता के क्या आशीषें हैं? मोटिवेशन फॉर ओबीडियंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको क्या प्रेरणा है उसकी आज्ञा मानने के लिए, वो हमने छह बातें देख ली हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन वी ओबे। अब हम देखेंगे क्या होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। व्हेन वी वॉक इन ओबीडियंस टू गॉड, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, प्रिजर्व द पीस ऑफ गॉड, तो हमारे अंदर परमेश्वर की शांति जो है बनी रहती है। पीस हैज बीन गिवन टू अस ऑलरेडी थ्रू जीसस, ये शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को पहले ही दे दी है। And the Lord spoke about that through the prophet Isaiah a long time ago. और परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा से ये बात बहुत साल पहले बता दी थी। Before 720 BC when as I was ministering in Jerusalem. 470 ईसवी पूर्व में जब यशायाह यरूशलेम में सेवकाई कर रहा था तब। Isaiah 53:5. यशायाह 53 उसकी पांचवी आयत में हम देखते हैं। The punishment that brought us peace was upon him. हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। The punishment that brought us peace was upon him. जो सजा जो जिससे हमें शांति मिली है वो उसने सजा खुद ले ली। He took away our punishment and gave us peace. उसने हमारी सजा अपने ऊपर ले लिया और हमें शांति दे दी। Today as believers in Christ been given peace, oneness with God. हम आज प्रभु के जो के पीछे चलने वाले हैं, जो उसके विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ हमारा शांति, हम परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। The word peace means oneness. The Greek word eirene. Eirene means oneness. ये यूनानी शब्द एरेनिया से बना है, ये शांति शब्द जिसका मतलब है एकता, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। We are one with God through the blood of Jesus. His spirit, blood has made our spirits perfect. So our spirit and God's spirit are reconciled. और प्रभु के लहू के द्वारा से हम शुद्ध हो जाते हैं और इस तरह से परमेश्वर और हमारे अंदर जो है मेल हो जाता है, हम एक हो जाते हैं। We have been given this peace. और हमें ये शांति दी गई है। Today as believers we only have to preserve that peace. और हम जो अब विश्वासी हैं, हमारे को सिर्फ इस शांति को बनाए रखना है। We don't search for peace. इसके पीछे हमें ढूंढ डांड नहीं करनी है। The Lord is our peace. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति है। And the Lord spoke about that through Micah to the Israelites in Micah chapter 5 verse 5. और मीका 5:5 में प्रभु ने इस बात को बोला। He will be their peace. वह शांति का मूल होगा। And today we have been given peace. और आज हमको जो शांति मिली है, we only have to preserve that peace. हमें सिर्फ शांति को पकड़ के थाम के रखना है। And we preserve that peace as we walk in obedience to the Lord. और इस शांति को हम इस तरह तभी बना सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। This peace is independent of circumstances. और ये शांति वो है जो परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करती। In the book of Gospel of John chapter 16 verse 33. यूहन्ना 16:33 में हम इस बात को पढ़ते हैं। The Lord says. यीशु मसीह कहते हैं to the apostles, अपने चेलों को, I have told you these things that in me you will have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you will have troubles. संसार में तुम्हें क्लेश होता है। But take heart, I have overcome the world. ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So this peace is a peace beyond understanding. It doesn't depend on circumstances. तो ये शांति जो है हमारी समझ से परे की शांति है, ये परिस्थितियों से इसको कोई प्रभाव नहीं होता। We can have terrible circumstances around us. हमारे चारों तरफ हो सकता बड़ी भयंकर परिस्थितियां हो। But in that circumstances we'll have peace. और उन परिस्थितियों के बीच में भी हमारे पास शांति होगी। That's why it's a peace beyond understanding. इसलिए बोला गया कि वो शांति जो समझ से परे है। When everything is fine around us and we got peace, everybody understands it. अगर हमारे चारों तरफ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हमारे में शांति है, सब समझने वाली बात बनती है। The things are not fine from a worldly point of view and still we have peace, people can't understand that. और अगर हम देखें कि हमारे चारों तरफ बड़ी परेशानी है और फिर भी हमारे शांति है, तो संसार इस बात को समझ नहीं पाता। And today at this time of COVID and coronavirus all over the world, as God's people they can have his peace because we live for him. और आज संसार में जो कोविड और कोरोना की इतनी बीमारी लग रही है, हो रही है, संसार के लोग इस बात को देख सकते हैं, हमारे अंदर वो शांति है क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिता रहे हैं। The whole universe is in God's hands. पूरा सृष्टि जो ब्रह्मांड जो है परमेश्वर के हाथ में है। And we are his children. और हम तो उसकी संतान है। And he will do what is best for us. और हमारे लिए वो करेगा जो हमारे सबसे अच्छा है। And by walking the ways of God, we preserve that peace. और परमेश्वर के उसके मार्ग में चलते हुए हम इस शांति को बनाए रखते हैं। The whole world is searching for peace. पूरा संसार इस शांति को खोज रहा है। We believers in Christ don't have to search for peace. We preserve that peace. It's given to us already. और हमें तो सिर्फ इस शांति को बना के रखना, हमें इसको ढूंढना नहीं है। वो उसने हमें शांति पहले ही दे रखी है। What an amazing God we have got. कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। So
to preserve that peace, God says, you walk in my ways, you walk in holiness. और इस शांति को बनाए रखने के लिए प्रभु कहते हैं तुम मेरे मार्ग में चलो. Old Testament it says in Psalm 85 verse 8. पुराने नियम में भजन 85 उसकी आठवीं आयत में लिखा है. The Lord has promised peace to his people, but let them not return to folly. वो कहता है कि यहोवा ने यूं कहता है कि मैं अपनी प्रजा को अपने भक्त को शांति की बातें कहूंगा परंतु वे फिरकर मूर्खता ना करने लगे. He has promised peace to his people, but let them not go back to folly, or let them not be foolish. परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने प्रजा को शांति दी है पर वो फिर के अपने मूर्खता में ना वापस चले जाएं. What is the time peace was a promise? पुराने नियम में शांति जो थी एक वायदा था. Today it's a fulfillment. हमारे समय में नए नियम में ये वायदा पूरा हुआ है. And therefore, we, as we obey Him, we preserve that peace, and that's why it motivates us to live a life that pleases God. और हम जब उसकी आज्ञा मानते हैं तो ये हमारे को प्रोत्साहन करते हैं कि उसकी आज्ञा माने और शांति हमारे अंदर बनी रहती है और हम उसकी ये हमारे को और प्रोत्साहन करते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने. The second blessing of obedience is the joy of the Lord. और दूसरी आशीष परमेश्वर की आज्ञा मानने में जो है वो परमेश्वर का आनंद है. In John 15:11, Jesus said, यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I have told you this that my joy will be in you. मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे. And your joy will be complete. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. Mark that what he says, my joy will be. वो इस बात को ध्यान दे कि मेरा आनंद. What does it mean? इसका मतलब क्या है? The joy that he had, we can have. इसका मतलब है कि जो आनंद उसका पास था वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं. And he also says about peace in John 14:27. और यूहन्ना 14:27 में भी इस बात को हम देखते हैं. Peace I leave with you. कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. My peace I give unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. I don't give as the world gives. Don't let your heart be troubled. Don't be afraid. जैसा संसार देता है वैसी नहीं देता. तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे. You know, I recommend to Christians, don't always go to God in prayer just to ask Him for things. और भाई लोगों को सर्वप्रथम मसीहों को ये बताते हैं कि परमेश्वर के पास हरदम चीजें मांगने के लिए ना जाएं. For most of us, prayer is asking God, petitioning God, crying out to God, I want this, I want that. और ज्यादातर हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये काम कर दे. But spend time with God to enjoy the relationship. पर हमें समय बिताना है परमेश्वर के साथ उसकी संगति का आनंद उठाने के लिए. But enjoy that peace, oneness with Him. ताकि उस एकता का जो परमेश्वर के साथ है उसका हम आनंद उठा सके. To cherish the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद का की भरपूरी का मजा ले सके. This joy actually is because we have Christ in us. और यह आनंद हमारे में इसलिए है क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है. Colossians 1:27 says. कुलुसियों 1:27 में लिखा है. Christ in you the hope of glory. प्रभु हमारे में जो महिमा की आशा है. From the time we accept Him into our hearts as Savior and Lord, He comes and dwells in us through His Spirit. और जिस दिन से हम जिस क्षण से हम प्रभु को अपने हृदय में बुलाते हैं स्वीकार करते हैं वो हमारे हृदय में आता है रहता है. And Christ in us is hope of glory. और पर मसीह हमारे अंदर हमारी महिमा की आशा है. Romans chapter 5 verse 2 says. रोमियो 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है. We rejoice in the hope of the glory of God. हम जो है उसके आनंद की महिमा के अंदर आशा के अंदर हम घमंड करते हैं आनंद करते हैं. Not only so we rejoice in our suffering. और ये नहीं कि हम सिर्फ अपने क्लेशों में ही आनंद उठाते हैं. Now, what is the meaning of rejoicing? आनंद उठाने का मतलब क्या है? Rejoicing is a verb. आनंद उठाना मतलब ये एक एक क्रिया एक क्रिया है. Yes. क्रिया. The corresponding noun is actually joy. उसका जो उसकी जो संज्ञा है वो आनंद है. So we have joy, so we rejoice. हमारे पास आनंद है इसलिए हम आनंद करते हैं. And we have joy because we have the hope of glory. और हमारे पास आनंद इसलिए है क्योंकि हमारे पास महिमा की आशा है हमारे पास. Christ in us hope of glory. मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा. So we have inner joy and that is reflected in the way we rejoice. Even in trials we rejoice. और हमारे अंदर आनंद रहता है इसलिए हम परीक्षाओं में परेशानियों में भी आनंद उठा आनंद करते हैं. We leave this world, they're going to go to heaven. हम जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे. Death is not departure from earth, is arrival in heaven. और मृत्यु जो है संसार से प्रस्थान है प्रस्थान नहीं पर परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में हमारा प्रवेश करना है. When someone very close to you, a family member or a friend
as the world said, that dies in this world. और जैसे हमारे प्रियजन कोई संसार में मर जाते हैं. Please don't say, oh, we have lost him. आप ये ना कहें कृपा करके कि ओ हमने तो उसको खो दिया है. He or she is not lost. They are found in heaven. वो खोए नहीं है, वो स्वर्ग में पाए गए हैं. That's the hope you have got. ये हमारी आशा है. Please never forget our primary faith in Christ is because of redemption of our bodies. और सबसे पहला जो बात हमारे परमेश्वर पर विश्वास करने का ये है कि हमारी शरीर की देह का छुटकारा. It's not for things of this world. इस संसार की बातों के लिए नहीं है. The apostle Peter wrote to Christians who had not physically seen Jesus. पत्रस ने उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा उनके लिए कहते हैं. Like Peter had 3.5 years, he had been living with Jesus in Capernaum, ministering, eating, drinking, walking with him, ministering with him. और पत्रस तो प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल रहा कफरनाऊम में, रहा उसके साथ खाता पीता चलता रहा. But these people who are whom Peter wrote this letter, पर पत्रस ने जिनके लिए पत्री लिखी है, had not physically seen Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा था. And 1 Peter 1:8-9 writes to them and says, पहला पत्रस पहला अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में पत्रस लिखते हैं, Even though you have not seen him, you love him. और तुमने उसको नहीं देखा फिर भी उससे प्रेम रखते हो. Even though you don't see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो. Their indescribable joy, exceedingly the joyful they were. और ये जो है बड़े आनंद की बात है. So as we walk with the Lord, तो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, preserve the peace and the joy of the Lord. परमेश्वर की आनंद और शांति को अपने अंदर बनाए रखते हैं. But when we sin against God, till we repent of that sin, in the intervening period, we lose the peace, we lose the joy of the Lord. और जब कोई पाप कर देते हैं और जब तक उसका पछतावा नहीं करते, इसके बीच में हम उस शांति को खो देते हैं, उस आनंद को भी खो देते हैं. That's why in Psalm 51, when David, after repented, he cried out to God, he wrote the psalm. और दाऊद भी जब उसने पाप किया और जब पछतावा किया, उसने भजन 51 में लिखता है, Restore to me the joy of our salvation. कि मुझे अपने मेरे उद्धार का आनंद लौटा दे. What he had lost was not salvation, he had lost the joy of salvation. जो उसने खोया था वो उद्धार नहीं खोया था, उद्धार का आनंद खो दिया था. And we lose peace and joy till such time we repent. और जब तक हम पछतावा नहीं करते, उस शांति और आनंद को हम खो देते हैं. This is an amazing motivation for us to decide to follow the Lord. और ये बड़ी एक बात है जो हमारे को प्रोत्साहित करती है कि हम प्रभु के पीछे चलें. Don't get carried away by the temporary pressures of disobedience. इस संसार की बातों के कारण से ये छोटी सी थोड़े समय के लिए ये झूठी बातों के पीछे ना चले जाएं. We can't have the peace and joy when you do not walk in the ways of God. हम ये शांति आनंद हमारे दिल में नहीं हो सकती जब तक कि हम प्रभु के पीछे उसकी आज्ञाओं को मानते हुए नहीं चलते. But our hope is never in our holiness. Our hope is always from the grace of God, the mercy of God. क्योंकि हमारा जो आशा है वो अपने उद्धार अपनी भलाई कामों पे नहीं पर परमेश्वर की दया कृपा उसके अनुग्रह पे है. The third blessing of obeying God and walking in the ways of God. और तीसरी आशीष जो परमेश्वर के पीछे चलने से हमारे को जो मिलती है, is confidence in our prayers being answered. वो एक हिया होता है हमें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी. In John 15:7 Jesus says. यूहन्ना 15:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, If you remain in me and my words remain in you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, ask whatever wish should be done for you. तो जो चाहो मांगो मेरे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. What is the meaning of abiding in him, remaining in him? उसके साथ बने रहने का क्या मतलब है? Obedience, as simple as that. आज्ञाकारिता, बिल्कुल साधारण सी बात में. So when you walk in the ways of God, we'll have confidence of our prayers being heard. जब परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो हमारे पास याद होगा कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी. Don't walk in the ways of God, our hearts will condemn us. अगर हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे तो हमारा हृदय हमारे पे दोष लगाएगा. In 1 John 3:21-22, John writes. पहला यूहन्ना 3:22 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, If our hearts don't condemn us, we have confidence before God. हे प्रियो, यदि तो हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने इजहास होता है. And receive from him anything he asks because we obey him and we do what pleases him.
जो कुछ हम मांग वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। The life of the Lord Jesus Christ was a perfect example for us. प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा सिद्ध उदाहरण है। And then he talks about how his prayers were heard. और वो बताता है कैसे उसकी प्रार्थनाओं को सुना गया। Hebrews 5:7 says. इब्रानियों 5:7 में लिखा है। He was heard because of his reverent submission. और उसकी सुनी गई क्योंकि प्रार्थना विनती की उसकी सुनी गई क्योंकि उसने अपने आप को भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Reverent submission. अब उसकी प्रार्थना ऐसे सुनी गई क्योंकि उसने भक्ति से अपने आप को परमेश्वर के सामने सुपुर्द कर दिया। Don't you say other, 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 other is more reverence, no? आदर नहीं लिखा भाई, इसमें भक्ति के कारण। Okay. So in other words, when you reverently obey God, not complaining, not questioning, not trying to compromise, simply, Lord, you have spoken and obey, then we have confidence of a prayer being heard. और जब हम बड़े याव से कि प्रभु किसी बात के लिए नहीं, प्रभु आपने बोला मैं इसके उस मानूंगा, और जब हम ऐसी आज्ञा मानते हैं तो हमारे अंदर बड़ा हियाव होता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। Look at the way the Lord, when he prayed to the Father at Lazarus' tomb. और प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर की कब्र के सामने प्रार्थना करी अपने पिता से, chapter 11, यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में 41-42, 41वीं और 42वीं आयत में, there's two sentences he prays, two sentences. सिर्फ दो वाक्यों की प्रार्थना करी। I thank you, Father, you heard me. हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। And you always hear me. और मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है। But I say this for the benefit of those standing here, they may believe you sent me. परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है इसके कारण मैंने ये कहा। There's two sentences. He knew God always heard his prayer. वो दो वाक्य है, वो जानता था कि पिता मेरी प्रार्थना हर दम सुनता है। The third sentence was to Lazarus. और तीसरा जो वाक्य था वो लाजरस के लिए बोला गया। Lazarus come out. निकला। Lazarus came out. बाहर आ गया। So when you walk in the ways of God, we'll have confidence of our prayers being heard. जब प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो हमारे को बड़ा ही आव होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। This does not mean that God will not answer a prayer if you don't walk in the ways of God. He is a gracious God, no doubt. इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्रभु के मार्ग में चल रहे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। वो बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। But when we walk, we have confidence that our prayers is heard. पर जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो हमारे अंदर ही आव होता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। I'm going to stop now. It's exactly 7:50. I'll carry on next week on this because this is going to be a series on life transformation. Today I spoke on motivation, or the word motivates us. First of all, desire to obey God, and also what happens when you obey God. I'll cover three blessings. I'll cover three more blessings next week, and then carry on. आज हमने देखा कि परमेश्वर को की आज्ञा मानने की उन आशीषों के लिए क्या बातें हैं जो हमारे को प्रोत्साहन देती हैं जिसके कारण से हम उसकी आज्ञा मानते हैं। फिर हमने बात देखा तीन आशीषों को जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें मिलती हैं, और इसके आगे की और जो आशीषें हैं उसके ऊपर हम अगले हफ्ते इसी के आगे मनन को जारी रखेंगे।